देखा याद करवा दीजिए सर, वो फोटो दो आप ही उसको। जिंदगी भर क्या करते गए कैसे हम लोग चल पाएंगे कि रात में आता है कोई। पर्चे से क्या मतलब होगा भैया, पर जब से कल रात में 2 बजे पुलिस पहुंच करके ताला तोड़ करके घर के अंदर से सो रहे भाई को। कहां की पुलिस थी? पुलिस की पीपरपुर पुलिस बता रही है, बता रही है सोजी भी थी पीपरपुर पुलिस। मेरे भांजे को, मेरे भतीजे को, इसको, उसको और मुझे भी पकड़ लिया था, चाबी मेरी गाड़ी के ले लिए थे और कहा इसको भी बैठाओ, बहुत बकैती कर रहा है, मास्टर है, दिमाग लगा रहा है। पुलिस कस्टडी में लगभग 10-12 लोग थे, मुझे ऐसे नाम नहीं पता है। कोई राय करके थे? एक राय करके थे, लंबे चौड़े पीपरपुर पुलिस के स्ट्रिक्टली। उन्होंने भी पैसे की भी डिमांड की है, 13 लाख रुपए कहते हैं, बोले थे आप पैसे दे दो, ये एक्सेप्ट कर लो, हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो तीनों को जेल भेज देंगे। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए और घटना में संलिप्तता को देखते हुए लोकल पुलिस इनके घर पर गई और इनसे पूछताछ की और इनको थाने बुलवाया गया पूछताछ हेतु। ये और इनके दोनों बेटे थाने पर आए। इसके बाद इन्होंने बताया कि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो इनके पुत्र इनको CHC भादर लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया ये देखा कि पॉइजनिंग का केस है, तो उन्होंने रेफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी और पैनल के तहत, और इसमें पंचायतनामा भरवा दिया गया है, पुलिस मौके पर मौजूद है और इसमें उच्च स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा जाँच कराई जाएगी। यदि जांच में कोई भी पुलिस की तरफ से दोष परिलक्षित होता है तो इसमें निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सच्चाई वही जो हम बताएं।